जिनके नाम पे खतियान है और वो जीवित नहीं है, या दादाजी के टाइम पे चलती आ रही है और जीवित व्यक्ति के नाम पर है, तो आपको प्रपत्र 2 भरती है। तो हाँ, तो उसके लिए आपको ये वंशावली का फॉर्म भरकर देना है। जमीन सर्वे का काम शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सर्वे के जो टीम है वह सर्वे गांव पहले जाकर आम सभा कर गई। इसके साथ ही सर्वे के क्या कागजात होने चाहिए उसके बारे में हम आज सर्वे का जो शिविर है रामपुर प्रखंड मुख्यालय में, हम वहां पर आए हैं। वहां जो सर्वे के अमीन हैं उनसे हम जानकारी लेंगे क्या सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात होने चाहिए, क्या और प्रोसेस है उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे साथ अमीन हैं जो सवार पंचायत के हैं अश्विनी कुमार जी, उनसे हम जमीनी से जुड़े जो विवाद है उनको ख़त्म करना है और उसके लिए प्लॉट का वेरिफिकेशन होना है, उसी के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। कौन कौन से कागजात चाहिए, कैसे फॉर्म भरना? वो यानी जमीन है और जीवित व्यक्ति के नाम पर है, तो आपको प्रपत्र 2 भर कर देना है। ठीक है, प्रपत्र 2 आपका ये है, देख सकते हैं, घोषणा का प्रपत्र, ये आपको भर कर देना है। ठीक है, इसके साथ आपको खतियान लगा देना है और आपकी अगर जमाबंदी रसीद है आपको वो लगा दे देनी है और आवेदनकर्ता का आधार कार्ड लगा देना है। ठीक है, और मतलब जिनके नाम पर खतियान है उन्हीं का लगेगा क्योंकि वो जीवित है, आपको लगा कर और फॉर्म भरकर और एक फोल्डर में रखकर फाइल में रखकर अब अपने अमीन को दे देना है। अगर आपकी खतियानी ज़मीन है और आप काफ़ी पीढ़ी से चलती आ रही है और वो जीवित नहीं है, तो आपको उसके साथ बाप दादा के नाम से है जी, ये तो हो चुके हैं। हाँ, तो उसके लिए आपको ये वंशावली का फॉर्म भरकर देना है प्रपत्र 2 के साथ, पहले आपको ये देना है, इसके साथ आपको प्रपत्र 3-1 देना है, ये वंशावली का प्रपत्र है, ये आपको देना है। ठीक है, आपको इसके साथ खतियान की फोटोकॉपी और रसीद और जो भी आवेदन करता है वो अपना आधार कार्ड उसमें देंगे, अपना उसके पीछे अपना नाम पता और मोबाइल नंबर लिख कर देंगे। सर्वे के लिए कौन कौन से कागजात हैं? तो मैं सभी दस्तावेज बता देता हूँ, जो आपके जिस तरह की ज़मीन है आप उस तरह का दस्तावेज उसके साथ संलग्न करेंगे। आप खतियान लगा सकते हैं, आप कवाला की ज़मीन है तो कवाला लगाइए, आप रसीद है दोनों की तो रसीद लगाइए, आपके लाल कार्ड या सिकनी की ज़मीन है बंदोबस्ती की तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है मतलब लाल कार्ड, आप उसकी फ़ोटोकॉपी लगाइए और उनकी रसीद है तो उनको लगाइए और साथ में आधार कार्ड लगाइए और फाइल में रखकर सबमिट कर दीजिए। वंशावली भी देना होगा? वंशावली वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पर जीवित व्यक्ति नहीं है, जिनके नाम पर खतियान है और वो जीवित नहीं है, या दादाजी के टाइम पे चलती आ रही है, वहाँ पर आपको वंशावली देने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो? अगर आपका कोर्ट में केस चल रहा है तो आप कोर्ट केस की एक कॉपी साथ में फोटोकॉपी करा कर लगाइए और ये जो फॉर्म 2 है यहाँ पर अभियुक्ति में आप फॉर्म भरते समय उस कोर्ट केस की संख्या डाल दीजिए। ठीक है, और आपको कोर्ट केस की विवादित ज़मीन है तो उसका कोर्ट केस का फैसला आ चुका हो तो आपके नाम से खाता खुलेगा, अदरवाइज वो खाता मतलब तब तक वेटिंग में रहेगा, जिसका कोर्ट केस का फैसला आएगा उसके नाम पे खाता खुल जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन आपको भरकर फॉर्म दे देना है। वंशावली के प्रोसेस क्या है, कैसे बनवाना होगा, किससे बनवाना होगा? देखिए, वंशावली आपको 1 महीने के अंदर ये फॉर्म जमित करना है, आपको ग्राम सभा 24 तारीख को समाप्त हो चुकी है तो आपको 25 सितंबर से पहले पहले ये सारी फॉर्म भरकर हमें जमा करनी है। इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? तो आपको वंशावली के लिए आपको अपने सरपंच जी से, मुखिया जी से या ग्राम सचिव से कॉन्टेक्ट करेंगे, वो आपको जो भी मतलब वंशावली बनाने के लिए आपको मतलब जैसे आपको समय लगता है तो आप एक वंशावली को खुद से बनाकर उनसे वेरीफाई कराइए, 5 व्यक्तियों से वेरीफाई कराइए आस पड़ोस के आपके, फिर आप अपने जो आपके सचिव जी हैं उनका सिग्नेचर करा लीजिए और अपने मुखिया या सरपंच जी का सिग्नेचर करा लीजिए, उससे ये होगा कि वो 2-5 लोगों और 2-7 लोगों द्वारा वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद उसको हम जब प्लॉट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे खुद वेरीफाई करेंगे। वंशावली में किसका किसका जिक्र होना चाहिए? वंशावली में आप बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने भाई बहन सबका जिक्र करेंगे, हाँ जहाँ पर जिनके नाम से खतियान है आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगर उनकी बराबरी वाला रिश्ता चलेगा तो वो सीधा जा जाता है और नीचे वाला रिश्ता नीचे के तहत में आएगा, वो पूरा वर्णन आपको कर देना। इसमें बहन बेटी का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका जिक्र आपको बिल्कुल ज़रूरी करना, उसकी जानकारी ये है कि वंशावली पे 5 लोग जो सिग्नेचर करेंगे वो लोग ही सिग्नेचर नहीं करेंगे, इसलिए है कि आप खुद वो 5 लोग और वो 2 लोग
खुद जिम्मेदार रहेंगे और हम तो वेरीफाई करेंगे ही, इसलिए आपको छिपाना कुछ भी नहीं है। जो बहन बेटी है उनसे पूछना होगा कि आप इसमें लेंगी हिस्सेदारी लेंगे। देखिए फ्रॉड वेरिफिकेशन के टाइम पे जब खाता खुलेगा तो हम उनसे लिखित में जानकारी लेंगे सब कि आपको अपनी हिस्सेदारी चाहिए कि नहीं। अगर वो लिख कर दे देती हैं कि मुझे हिस्सेदारी चाहिए तो उनका भी शेयर उनका चला जाएगा, बाप दादा की जमीन। लेकिन अगर वो नहीं कह देती है कि मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए तो बेफिक्र रहिए, वो आपके नाम पे जाएगा। आपकी सहमति के आपसी सहमति से ही खाते खुलने हैं, उसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे चर्चा है कि कितने फॉर्म चाहिए बाजार में, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म बिक रहे हैं, तो उसके लिए क्या? देखिए आपको मैं बता चुका हूँ, केवल वंशावली बनाने का तरीका बता चुका हूँ, केवल आपको फॉर्म लेना है। अगर आपका फॉर्म में जगह कम हो जा रही है तो आप दूसरा फॉर्म लीजिए इसका, और साफ़ सुथरा फॉर्म भर दीजिए। इस वजह से आप ये केवल दो फॉर्म आपको लेने हैं। और जैसा मैं पहले बता चुका हूँ केवल केवाला वाली ज़मीन है तो केवल आप प्रपत्र 2 लीजिए, और खतियानी ज़मीन है अगर जीवित व्यक्ति है तो आप प्रपत्र 2 ही लीजिए, और दोनों ही केस में अगर मृत व्यक्ति है या पीढ़ी पिछली पीढ़ी से चलता आ रहा है तो आपको दोनों फॉर्म भरने हैं, वंशावली का भी। वंशावली कैसे बनना है वो हम आपको बता चुके हैं, आप सरपंच से कॉन्टेक्ट करिए, वंशावली वहीं से बनेगा आपका। इस सभी कागजातों को फॉर्म भरने के बाद कहाँ जमा करना होगा? आप अपने मौजा के संबंधित अमीन को जमा कर सकते हैं या शिविर में आकर जमा कर सकते हैं। बाकी जब भी मतलब आपके मौजा में आपके संबंधित अमीन आएंगे आप वहाँ जमा कर सकते हैं, लेकिन करना ही आपको एक माह के भीतर है। कोई जमा नहीं कर पाता है तो देखिए जो लोग छूट जाएंगे उनका ये काम ही लेट हो जाएगा, फिर जो लोग छूटेंगे उनका फिर बाद में ही हो पाएगा, इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जमा कर दें। सीमित समय दिया गया है, सीमित समय है इसके लिए, हमारा दिसंबर 2025 तक का टारगेट है, उससे पहले पहले हमें ये समाप्त करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप ये लोग जमा कीजिए। ब्लॉक का पुराना RTAPS बिल्डिंग है, जहाँ पर पुराना ऑफिस था RTAPS का, वहाँ पर सर्वेक्षण कार्यालय खुल चुका है। आप यहाँ पर आकर सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का ऑफिस का टाइम है, आप उससे आकर जमा कर सकते हैं शिविर में। हमारे साथ अमीन जो अश्विनी कुमार जी, जिनके साथ हमने पूरा जानकारी उन्होंने सर्वे को कराने को लेकर दिया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर और बटन को प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके।